नमस्कार, स्वागत है एनबीसी 24 पे। मैं रत्नेश पांडे। बीते दिनों अमित शाह का आरा के जगदीशपुर में कार्यक्रम था, बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को लेकर के जिस प्रकार से वो पहुंचे हुए थे, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ साथ तमाम बीजेपी के चाहने वाले उनके कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, लेकिन अचानक से अमित शाह का जो कार्यक्रम था वो टर्न होकर के गया के तरफ में चला गया। हमने आपको खबरें भी दिखाई थी कि किस प्रकार से अचानक से गया में अमित शाह का जो प्रोग्राम बन गया। कल अमित शाह गया पहुंचे हुए थे और गया में पुलिसिया हड़कंप मची हुई थी और गया में विष्णुपद मंदिर पे उन्होंने दर्शन किया है, पूजा पाठ किया है। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से अमित शाह गया पहुंचे हुए हैं। मोक्ष धाम गया कहा जाता है और वहां पे विष्णुपद मंदिर में वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, मंत्रोच्चारण करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनाते हैं आपको मंदिर के पुजारी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। विष्णुपद मंदिर के घंटे उन्होंने 1650 पूजा, तुलसी अर्चना, माल्यार्पण किया और सभागृह में उनको सम्मानित किया गया। मंडा समिति प्रबंधन और उनके तीर्थ पुरोहित शंभुलाल विठल ने उनकी पूजा करवाई और प्रबंधन ने उनका स्वागत किया। कुछ बातें हुई क्या? कुछ बात गया शहर के बारे में हम लोगों ने गया से संबंधित 3-4 बातें उनको मांग की है। एक तो पहले गया जो तीर्थ है इसके साथ गया जी शब्द जोड़ा जाए, क्योंकि अपने आप में सुनने में लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ये श्रद्धा का तीर्थ है और जब तक रिस्पेक्ट नहीं आता है इसलिए उसको जोड़ा जाए। दूसरी मांग हमारी थी कि गया जी में जैसे अन्य तीर्थों में विकास हुआ उसी तरह और विकास के कार्य किए जाएँ और केंद्र सरकार की जो 2-4 योजनाएँ हृदय प्रसाद आदि चल रही थी जो योजनाओं के अंतर्गत बहुत थोड़े काम करवाए गए हैं उनमें और फंड देकर और कार्य करवाए जाएं, क्योंकि गया यह 25 किलोमीटर के क्षेत्र दायरे में फैला हुआ है। प्रेसशिला से बोधगया तक उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से सुना और कहा हम इस पर विचार करें। पहले कब कब वर्ष तो मुझे इतने याद नहीं है, लेकिन ये चौथी बार है। पहले एक बार जब ये प्रदेश अध्यक्ष किए, अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उस काल से आना शुरू हुआ था। तो सुना आपने, मंदिर के पुजारी ने कहा कि अमित शाह पहुंचे हुए थे, उन्होंने पूजा पाठ किया है विष्णुपद मंदिर में। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए NBC 24 के साथ। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।